अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीबा और हबीब की सुपरहिट फिल्म बुज़दिल की मौसीकी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तो चले फिर हम आगे बढ़ते हैं। बुज़दिल 1969 में पाकिस्तानी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी उर्दू रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म में दीबा, हबीब, इजाज, सबीरा सुल्ताना, तालिश, सिकंदर, जुल्फी और साकी ने अपनी अदाकारी के जोर दिखाए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर सकलैन रिजवी, प्रोड्यूसर अब्दुल बाकी और हबीब थे, जबकि इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर सिकंदर हयात थे। इस फिल्म की मौसीकी खली अहमद और तसद्दुक हुसैन ने तरतीब दी थी, जबकि इस फिल्म के नगमात की शायरी फियाज हाशमी ने लिखी थी। नसीम बेगम, आयरन परवीन, रूना लैला, मुसरत नजीर, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी, मुजीब आलम ने इस फिल्म के नगमात गाए थे। अब हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म के नगमात। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इस फिल्म के पहले नगमे की तरफ, जिसे अहमद रुश्दी और आयरन परवीन ने गाया था और इसकी मौसीकी खली अहमद ने तरतीब दी थी। फयाज हाशमी ने इस नगमे को लिखा था, जबकि इस नगमे को हबीब और दीबा पर पिक्चराइज किया गया था। अब हम आपको सुनवाते हैं आयरन परवीन और नुसरत नजीर की आवाज में ये नगमा, जिसे खलील अहमद ने तरतीब दिया था। फयाज हाशमी ने ही इसकी शायरी लिखी थी, जबकि इस नगमे को दो बच्चों यानी कि नजीना और समीना पर पिक्चराइज किया गया था। मेहदी हसन की खूबसूरत आवाज में गाया हुआ ये गीत भी इस फिल्म में शामिल था और इसकी मौसीकी भी खली अहमद ने तरतीब दी थी। फयाज हाशमी ने ही इस नगमे को लिखा था, जबकि इस नगमे को हबीब पर पिक्चराइज किया गया था। नसीम बेगम का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत, जिसके मसीकार खलील अहमद थे, शायर फयाज हाशमी, जबकि इसको निगो पर फिल्माया गया था। अब हम आपको सुनवाते हैं मुजीब आलम का ये नगमा, जिसके मौसीकार खलील अहमद और शायर फयाज हाशमी थे। अब हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये आखिरी और खूबसूरत गीत।